कि तुमने क्या कर दिया है राम? मैंने आप ही की सीख पर अमल किया है। इडियट, कौन सी सीख? यही कि कोई अगर जुर्म करता हो तो उसे मार दो। ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया उन्होंने? सर, उन्होंने एक लड़की का अपहरण किया और उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। कब, कहाँ, कौन है वो लड़की? अगर मैं ये सब बताऊंगा तो उसकी इज्जत बचाने का कोई मतलब नहीं बनता सर। अगर नहीं बताओगे तो सस्पेंड हो जाओगे। मैं जानता हूँ सर, इसीलिए मिलिट्री ज्वाइन की थी। पर मैं गुनाह होते हुए नहीं देख सकता। पता तुमने गोली किस पर चलाई? एक मंत्री है वो। वो किसी आतंकवादी से कम नहीं था। कुछ भी हो, पर तुम्हें अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए था। फिलहाल मैं तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूँ। रिमूव योर बेल्ट। मेजर राम, अपनी बेल्ट उतारो। मिस्टर राम, आपके ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मिस्टर राम, आप चुप क्यों हैं? बोलिए, वरना आपको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मिस्टर राम, आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया है, क्या आप उससे सहमत हैं? यस सर। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। मेजर राम, मंत्री जी पर गोली चलाने का कारण क्या आप जानते हैं इसका अंजाम? यस सर। तो हमें ऐसा लग रहा है कि आपने जानबूझकर ऐसा काम किया है। जी हाँ सर। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाए। तुम चाहे कितने भी बहादुर क्यों ना हो, लेकिन याद रहे, तुम कानून से बढ़कर नहीं हो। मेजर राम को कसूरवार माना जाता है आर्मी की धारा 45 के तहत, और साथ ही आर्मी की धारा 46A और 63 के तहत इन पर गोली चलाकर हत्या करने का आरोप तय होता है, और इन चार्जेस के तहत मेजर राम का कोर्ट मार्शल किया जाता है। जो मैंने सिखाया सब बेकार गया। जो भी आपने सिखाया वो कभी बेकार नहीं जाएगा सर। क्या मैं अब भी जिंदा हूँ? हाँ। तो फिर डॉक्टर, इतना दुखी होकर सिर क्यों हिला रहे हो? तेरी तो। सॉरी सर, हम सिर्फ आपकी जान बचा सके बस। सिर्फ जान बचा सके? क्या मतलब? आपके वर्टेब्रल कॉलम पर गहरी चोट लगने की वजह से आपकी नसें डैमेज हो गई हैं। आप अपनी मर्दानगी खो बैठे हैं। डॉक्टर, कुछ कर नहीं सकता था तू? क्यों बचाया मुझे? अगर नहीं कर सकता था तो क्यों बचाया मुझे? क्या कर रहे? मार देता। छोड़िए इसे, इसका गला क्यों पकड़ रहे हैं? खैर, मनाइए कि आपकी जान बच गई। शांत रहिए आप। अब ये लोगों की दया के पात्र बन के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। नहीं तो क्या, फैमिली प्लानिंग भी इन्हीं को सौंप देते हैं। अरे हाँ, आपके साथ क्या हुआ कैसे हुआ, हमने सारी बातें दबा दी है। क्यों दबा दी, और किससे पूछकर दबा दी बातें? तुमने किससे पूछ के उस लड़की पे हाथ डाला? वो कोई बार की नचनिया थी क्या? अरे वो भी आजकल हाथ नहीं लगाने देती, और वो तो शरीफ लड़की थी, और तुमने सोचा उसके साथ रसलीला खेलोगे? अब देख लिया उसका अंजाम। वो बंद कर, बंद सिधर। अरे चक्कर में मीडिया और प्रेस वालों को संभालते संभालते मेरे सिर के बाल उड़ गए हैं, कैसे समझाऊं तुम्हें? और नहीं तो का, आजकल लोगों को पता चल जाए कि मैंने ने घूस ली है, पूरा गांव लाठी लेके पीछे मर जाता है। ऐसे में आपकी बात पता चल जाए तो क्या कर लेंगे वो? क्या कर लेंगे? देखिए क्या कर लेगी जनता मेरा। कहाँ है वो? कहाँ है? तुम पर गोली चलाने के लिए आर्मी वालों ने उसका कोर्ट मार्शल कर दिया। वो इस केस को सिविल कोर्ट ले जाना चाहते थे, वो तो हमने मना कर दिया। क्यों?
जिसने मुझ पर गोली चलाई उसे इनाम देने का इरादा है तुम लोगों का? अगर ये केस सिविल कोर्ट में चला जाता तो पूरी दुनिया तुम्हारी करतूत जान जाती और फिर तुम्हारा मुख्यमंत्री बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाता। इसका मतलब उसे ऐसे ही छोड़ दें हम लोग? हाँ, तो फिर लखनऊ जाकर झगड़ा करो उससे। लखनऊ जाकर? और क्या, उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, घर पे बैठा है वो। जिसे इस दुनिया से ही चले जाना चाहिए था उसे शहर से जाने क्यों दिया तुम लोगों ने? पार्शियल पैरालिसिस हो गया है आपको, दाएं पैर में लकवा मार गया है। छोड़ूंगा नहीं उसे, जिसने मेरी ये हालत की है उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा मैं, दिखा दूंगा कौन हूँ मैं, कुत्ते की मौत मारा जाएगा वो। अरे अभी अभी तो तुम खड़े हुए हो, पहले खुद को तो संभाल लो फिर आगे सोच रहा है। चल जरा सोचो, हाई कमान जब आसाम से वापस आएंगे तुम्हें मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। अरे लखनऊ में तुमने कितने पट्टे पाल रखे हैं, लगा दो किसी एक को सिपाही के पीछे। भाई बताते क्यों नहीं कि आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? बोलिए मंत्री जी, किसे उठाना है? उसका नाम है राम, लखनऊ में ही कहीं रहता है, पता करो कहाँ मिलेगा। इससे पहले आर्मी में था, उसे जिंदा पकड़ना है, जिंदा, और काम का दाम जो तुम बोलो। पैसा भिजवा दीजिए और उसका एड्रेस और फोटो फैक्स कर दीजिए, लाश हम आपको पार्सल कर देंगे। ए गधे, अगर पता हमें मालूम होता तो तुझे फोन क्यों करते बे? काम करो, पैसे मिल जाएंगे। अरे आप तो हमारा उसूल जानते ही हैं मंत्री जी, बिना पैसे के हम हिलते भी नहीं हैं। और एक बार सुपारी उठा ली तो बस। माँ, कहाँ हो? माँ, पिताजी, भैया, दादाजी। दादाजी, मेजर राम, तुम 10 साल के बाद घर लौटे हो बेटा। जब तुम गए थे सिर्फ बड़े भाई की शादी हुई थी, अब मैं दादा बन गया, आओ मिलवाता हूँ। ये चारों मेरे पोते पोती हैं। हाय। तुम हाय नहीं बोलोगे? हाय। और अपने बड़े भाई के बारे में तो जानते होंगे, MLA बन गए हैं आजकल। काफी तरक्की कर ली भैया। हर किसी के सामने हाथ जोड़कर वोट मांगते रहते हैं। अरे बदमाश, चुप कर। हाँ भाभी तो याद है ना, जब तुम गए थे तब ये पलटन नहीं थी, घर यही संभालती हैं। कैसी हो भाभी? हाँ, खाना बहुत बढ़िया बनाती हैं, तो अगर तुम्हें कुछ भी खाना हो जस्ट कॉन्टेक्ट है। फिर तो भाभी आपके हाथ का खाना खाना ही पड़ेगा। मैं तो चाहती हूँ तुम हमारे साथ ही रहो, रोज तुम्हें खाना बनाकर खिलाऊंगी। कम कम कम। और तुम्हारे मजले भैया भी अब क्रिमिनल लॉयर बन गए। हाय भैया, कैसे हो? लॉयर नहीं हीरो लग रहा है, तभी तो ऐसी बीवी मिली है। तो नहीं सोचा कर चल रहा था। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ये आपके लिए भाभी। मेरे लिए गिफ्ट? लेकिन ये जब बड़ी भाभी आई थी तो उन्हें भी दिया था, अब आपका हक बनता है तो आप लीजिए। लो तुम्हारी माँ भी आ गई, चेहरा देख लो, आज ही मुस्कुराई है 10 साल बाद। तुम्हें फौज में भेज दिया था ना, हर रोज लड़ती थी मुझसे। अरे जीते रहो बेटा, कैसा है तू मेरे लाल? मैं अच्छा हूँ माँ, आप कैसी हैं? अब मैं ठीक हूँ। तो देखा ना मेजर राम, मैंने कैसे इंट्रोडक्शन करवाया, एकदम मिलिट्री स्टाइल में। परे का इंट्रोडक्शन बाकी है। स्वतंत्र सेनानी, परमवीर चक्र से सम्मानित,
तुम्हारे दादाजी। You have done a great job, my boy. वो आतंकवादी जो मंत्री जी का अपहरण करके अपने साथियों को छुड़वाना चाहते थे, उन्हें अच्छा सबक सिखाया। Very good. तुम्हारे दोस्त जो इस देश के लिए कुर्बान हो गए, और तुम जैसे नौजवान जिन्होंने ये जीत हासिल की है, my special salute for them. मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मेरा एक बेटा घर की सेवा करे और दूसरा बेटा देश की सेवा करे, पर भगवान ने मुझे एक ही बेटा दिया। देशद्रोहियों का नाम सुनके मेरा खून खौल उठता है, पर मैं मजबूर हूँ बेटा, लड़ाई में अपाहिज जो हो गया। दादाजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जलते हुए शोले की तरह आपका पोता आपके साथ है। जैसा आप चाहते थे मैं घर का भी बेटा बनूंगा और इस देश का भी। मैं ब्रिगेडियर ठाकुर का नाम जरूर रोशन करूंगा। थैंक यू माय बॉय। अच्छा सुनो, बिल्कुल मिलिट्री स्टाइल में तुम्हारे पिता ने सबसे इंट्रोड्यूस करवाया ना, अब उनका इंट्रोडक्शन देना मेरा फर्ज बनता है। मुझे गर्व है कि ये महेंद्र कुमार मेरा बेटा है और इसने इस खानदान की परंपरा को बखूबी निभाया। चाचू चाचू इनसे बच के रहना, दादू बड़े डेंजरस हैं। है? ऐसा क्यों कह रहे हो? घर में भी हम पर मिलिट्री जैसा रूल चलाते हैं, खाने में, खेलने में, पढ़ने में, हर चीज में। पर मुझसे डरते हैं चाचू। स्टॉप इट। यस सर। परेड। सावधान। यस सर। डिस्पर्स। देखा ना आज भी मेरा डिसिप्लिन कैसा है।